तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि बेसिकली एक रिमोट कंट्रोल कार के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म होता है, वो चलती कैसे है। तो गाइस कम्प्लीटली हमारी आज की कार खुल चली है, देखिए कुछ ऐसी होती है अंदर से। ये देखिए पीछे एक मोटर लगा होता है इसके, और ये मोटर जो होता है कनेक्ट होता है बैटरीज के साथ। देखिए पूरा पूरा बैटरी का बॉक्स है, ये नीचे इसके बैटरीज लगी होती है। ये देखिए बैटरीज का बॉक्स है, बैटरी से सीधे सप्लाई जो है हमारे मोटर में जाता है, और उसमें लगा होता है एक आरसी रिसीवर, और ये देखिए आरसी ट्रांसमीटर लगा होता है। जैसे हम इसको चालू करते हैं आगे पीछे का, वैसे ही यहाँ कंट्रोल में जाता है कमांड, और वैसे ही गाड़ी आगे पीछे दिखाता हूँ कैसे काम करती है। ये ऑन कर दिया हमने, यहाँ से ऑन कर दी, देखिए लाइट्स ऑन हुई ग्रीन वाली रेड वाली, और जैसे ही हम कमांड देते हैं देखिए यहाँ से फ्रंट कमांड व्हील घूमना स्टार्ट हुआ ना फ्रंट मोशन में। अब रिवर्स देखिए, रिवर्स है देखिए पीछे घूमना स्टार्ट किया ना, रिवर्स फ्रंट रिवर्स। ये है हमारा ट्रांसमीटर, ये है रिसीवर, रिसीवर का पैनल है, रिसीव करके एक्शन को मोटर को उस हिसाब से कंट्रोल करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।